ये जो जयंती है, जयंती वास्तुशास्त्र की किताबों में जयंत लिखा हुआ है, ठीक। वास्तव में जयंत नाम का कोई भी करेक्टर वैदिक, पोस्ट वैदिक, प्री पौराणिक, पौराणिक और पोस्ट पौराणिक लेयर्स पे जयंत को इंद्र का पुत्र कहा गया है, और जितना उसके बारे में वर्णन है वो इंद्र का मूर्ख पुत्र कहा गया है। रामायण में भी जाके सीता को उसने चोंच मार दी, राम जी उस पे धनुष चढ़ा के पीछे पड़ गए तो वो कौआ बन के उड़ गया, इस टाइप की स्टोरी है, विच डजंट रिलेट विद द इफेक्ट्स ऑफ दिस एंट्रेंस। जो जयंती, मैंने जयंती वर्ड क्यों दिया, नाउ जयंती वॉज डॉटर ऑफ इंद्रा, और उसको कहा कि जयंती को इंद्र ने कहा कि तुम शुक्राचार्य की तपस्या को भंग कर दो, परंतु जयंती ने ऐसा नहीं किया। व्हाट शी डिड, शी सर्व्ड शुक्राचार्य, शुक्राचार्य वाज असुरा गुरु, उसने 1000 बरस उसकी खूब सेवा करी, केयर करी। तो शुक्राचार्य गुरु जो थे, असुर गुरु शुक्र जो थे, उन्होंने कहा तुम क्या चाहती हो, तुमने इतना स्नेह से मेरी सेवा करी है निस्वार्थ भाव से। तो उसने कहा कि मैं आपकी पत्नी बनना चाहूंगी। तो 10 बरस के लिए वो पत्नी बनी। उसके इस तप के कारण सरस्वती नदी की एक पार्शियल नदी है, उस तीर्थ का नाम जयंती रखा गया प्राचीन समय में, और यह माना गया कि जो वहां जाके स्नान करेगा तो उसको केयरिंग परिवार मिलेगा और ढेर सारी खुशियां मिलेंगी और बेनिफिट्स ऑफ तीर्था उसमें लिखे हुए हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन वास्तु पुरुष मंडल में यह है कि जो 8 एंट्रेंसेस बताई गई हैं, वो 8 की 8 एंट्रेंसेस तीर्थों की जगह पर है। 8 एंट्रेंसेस बताई गई है ना, ये सारी की सारी एंट्रेंसेस वास्तव में नदियों के नाम है। जैसे वितथ का दक्षिण में जो शायद S3 का वितथ है ना, वितथ की बजाय वितस्त नाम का एक तीर्थ जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, जिसमें स्नान करने से राज सूर्य यज्ञ की प्राप्ति होती है, नौकर चाकरों में वृद्धि होती है, ऐसा फल लिखा हुआ है। तो ये 8 के 8 नदियों के तीर्थ है जहां जहां हमारी एंट्रेंसेस इसमें मार्क्ड हैं। नाउ व्हाई सो, नदी जहां जल का प्रवाह है वो प्रतीकात्मक रूप से तुम्हारे अपने विचारों के प्रवाह को इंगित करता है, वो सिंबल जो है। और वहां पर स्नान करना, वहां तीर्थ करना, वहां जाके नहाने का मतलब है कि तुम स्वयं में प्रवेश करते हो। तीर्थ का मतलब है जैसे मां के पेट में पानी में बच्चा 9 महीने पलता है, ठीक उसी प्रकार से पानी में जब तुम जाके, बहते हुए पानी में जाके स्नान करते हो तो यू डाइव इनटू योर ओन थॉट प्रोसेस, जो तीर्थ का टेक्निकल रीजन है। तो तुम्हारे बार बार अपने भीतर जाने के स्थान को द्वार कहा जाता है, हरिद्वार। हरिद्वार यानी गुरुद्वार, यानी जहां तुम्हें फैसिलिटेशन होती है स्वयं में प्रवेश करने की। तो जहां बाहर के जगत से तुम भीतर के जगत से जोड़ने वाले बिंदु हैं, उनको तीर्थ कहा गया है, और वास्तुशास्त्र में उनको द्वार कहा गया है। आपको लॉजिक समझ में आया? तो ये एक एक देवता का एट्रीब्यूट है। जो सूर्य है वो तुम्हारी कोर है, वो कभी भी हिलनी नहीं चाहिए। जैसे ही तुम आपे से बाहर होते हो तो तुम्हें गुस्सा आता है। तो वहां पर प्रवेश द्वार होने का क्या फल लिखा है सूर्य के स्थान पर? सत्य में अगर तुमने उसको स्थापित करके नहीं रखा, उसको बांध के नहीं रखा,
सच को बांध के नहीं रखा तो व्यवहार झूठा हो जाएगा। झूठा व्यवहार कब होता है? जब तुम सच को बांध के नहीं रख पाते हो। क्या आपको एंट्रेंसेस के इफेक्ट वास्तुशास्त्र में लिखे होने का लॉजिक समझ में आया? मैं तुम्हें वो पढ़ा रहा हूं कि वास्तु में अगर एक इफेक्ट लिखा है तो उसका भी लॉजिक क्या है। सत्य को बांध के रखना है, भ्रष्ट को बांध के नहीं रखेंगे तो क्या होगा, क्या करेगा? आप इफेक्ट्स पकड़ रहे हो, लॉजिक पकड़ रहे हो। तो इन देवता पोटेंशियल्स को तुम्हें मैप करना है तुम्हारे घर में।